चेयरमैन हो यार सर, स्वागत है आपका एनएच पंडित में सर। शिवसेना की कहाँ से आई सर, प्रॉपर बताएं। ये छड़ी यात्रा जम्मू से स्टार्ट की है हमने। जय छड़ी जात, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है, मैं शिवसेना प्रेजिडेंट जम्मू कश्मीर हूँ। बाला साहब ठाकरे एक नाम शिद्दे ग्रुप। जय छड़ी यात्रा लाते हुए हमें 30 साल हो गए हैं। छड़ी यात्रा माता वैष्णो देवी दरबार में आती है। इस वर्ष भी ये यात्रा जम्मू से चल गए, मैम स्टेडियम से चलकर भिन्न भिन्न शहरों से होकर कटरा में पहुंची है। आज शाम को हम रात को कटरा भवन में पहुंच जाएंगे। सुबह 5 बजे छड़ी का पूजन होगा, छड़ी के दर्शन होंगे और उसके बाद जोत का पूजन होगा। जोत का पूजन कर हम जम्मू आएंगे। जम्मू 9 दिन जो जोत अखंड जोत जो है, 9 दिन जो अखंड जोत है वो जलती रहेगी। उसके बाद नौवीं वाले दिन हम इसको कंजके वगैरह देकर कंजके पूजन कर इसको हम समाप्त। तो इससे पहले यहाँ पे कितनी छड़ी पहुँच चुकी है, इस छड़ी ये कितनी छड़ी है इस बार? ये छड़ी 38वीं छड़ी है, हमें 38 साल हो गए छड़ी लाते हुए। आज ये 38वीं छड़ी है। तो मैं आने वाले कल का जो शुभ दिन है, मैं आपके माध्यम से जम्मू वासियों को, बाहर वासियों को जो भी हैं उनको मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जम्मू कटरा वैष्णो देवी में आए, माता के दर्शन करें और पुण्य के भागी बने और कटरा की रौनक को बढ़ाएं और जम्मू कश्मीर के लोगों को। लक्ष्य क्या रहता है, आप इस छड़ी यात्रा की बात करते हैं, किस उद्देश्य के लेके ये छड़ी यात्रा की जाती है? ये छड़ी यात्रा हर वर्ष हमने एक परंपरा, जैसे अमरनाथ यात्रा में छड़ी जाती थी वैसे एक परंपरा हमने चालू की है। हम रहे ना रहे जो हमारे साथी होंगे, ये छड़ी यात्रा हर साल लाते रहेंगे। एक हिंदुओं का चिन्ह बना रहेगा और आस्था रहेगी छड़ी की, तो उसके माध्यम से जो हमने जो भी और नए श्रद्धालु आपके साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे और कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में बताते हैं? मैं तो कहता हूं कि कल भट बनाता है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़े, मात्रानी उनको बुद्धि दे, अकल दे, शक्ति दे और हमारे संस्था के साथ जुड़े, हमें खुशी होगी। जो भी कार्य होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उन्होंने परसों एक निर्णय लिया, गौ माता का नाम उन्होंने राज्य माता रखा। अभी तक इतने हिंदू संगठन हुए, किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया जो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने महाराष्ट्र के अंदर परसों चौथ को एक घोषणा की, माता गौ माता का नाम राज्य माता नाम का घोषित की। हमारे अंदर इसका बहुत उत्साह हुआ, हमें दिल जो हमारा बड़ा, हमारे जितने भी हिंदू संगठन हैं सब इसमें इनका वेलकम करते हैं। आने वाले समय की बात करते हैं तो क्या शिवसेना जो है जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि विधानसभा की बात करते हैं तो शिवसेना ने इससे दूरी बना के रखी थी? फोटो ऐसे है कि हम महाराष्ट्र के अंदर गए थे, उनसे बात हुई थी हमारे मुख्यमंत्री साहब से, उन्होंने बोला कि हमारी कलुषण सरकार है, इस बार हमारी बात नहीं हो पाई, नेक्स्ट टाइम जो भी इलेक्शन होंगे, क्या पंच, क्या सरपंच, क्या कॉरपोरेशन, क्या म्यूनसिपलिटी, उसके अंदर हमारी पूरी बात होगी, हमें निशान तीर कमान हमारा मिलेगा और हम उनसे कलुषण इलेक्शन में जहां भी रियासी डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, हम मिलजुल कर इलेक्शन लड़ेंगे। क्या लगता है, विधानसभा की बात करते हैं तो इस बार जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? सरकार तो ऐसा है कि क्या बताएं आपको, आप जानते हैं, मीडिया जानता ही है कि किसकी बनने वाली किसकी नहीं। ये अच्छा नहीं लगता है कि ये शुभ घड़ी में हम सियासत की बात करें। धन्यवाद, जयकारा शेरा वाली में पहुंच चुके हैं और जो छड़ी यात्रा है यहाँ से भवन की ओर साफ तौर पर देख सकते हैं।